अभी हम मौजूद हैं पटना के बीपीएससी कार्यालय के बाहर। जिस तरीके से 67वीं बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि बिहार के जो कई जिले हैं वहां छात्रों ने काफ़ी हंगामा किया था, क्योंकि कई साल की कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा का दिन और दिन की घोषणा की गई थी और दूर दूर से छात्रों ने परीक्षा देने पहुँचे थे। लेकिन परीक्षा केंद्र से निकलने के बाद जब उन्हें पता चला कि उनका प्रश्न पत्र लीक हो गया है, जिसके बाद छात्रों में काफ़ी मायूसी सा पैदा हो गया और अब परीक्षा को रद्द कर दिया गया, एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। अभी हम मौजूद हैं पटना के बीपीएससी कार्यालय के बाहर, जिस पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी बड़ा मामला है ये, क्योंकि जो परीक्षा है बीपीएससी की उसे रद्द कर दिया गया और कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी परीक्षा में का पेपर लीक हो जाता है तो बाकी परीक्षा का क्या। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह की तैयारी है, क्या सूचना मिली है, क्या छात्र यहाँ पहुँचने वाले हैं? छात्र यहाँ पहुँचने की कोई उनके सूचना नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करने के लिए हमारी पुलिस और मजिस्ट्रेट यहाँ हम लोग प्रतिनियुक्त हैं। इस तरीके से आप लोगों को कोई पता चला है कि छात्र यहाँ से पहुँचने वाले, क्योंकि लाखों की संख्या में छात्रों ने परीक्षा दिया था? हमें इस प्रकार की सूचना नहीं है कि छात्र एग्जामिनी जो यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग बिल्कुल यहाँ अपनी ओर से विधि व्यवस्था संधारित रहे, इसलिए हमारी पुलिस और मजिस्ट्रेट यहाँ अपनी तैयारी में है। हम लोग यहाँ पर हैं, किसी प्रकार की अप्रिय घटना कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं कर सके, आयोग के अंदर आयोग के बाहर सामने जो भी हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। धन्यवाद। तो ये MS खान जो मजिस्ट्रेट है यहाँ पे मौजूद है और आप देखिए सचिवालय थाना पुलिस और BSAP के जवान को भी यहाँ तैनात कर दिया गया है, क्योंकि स्थिति कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसको लेकर यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है काफ़ी मुस्तैद है यहाँ पे। और जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण की जांच EOU कर रही है, तो EOU की टीम भी यहाँ पहुँच सकती है और यहाँ पे जितने भी लोग वहाँ इस पेपर लीक के दौरान जिनके जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। और फिलहाल अभी EOU की टीम यहाँ नहीं पहुँची है, उम्मीद है कि कुछ देर में EOU की टीम यहाँ पहुँचेगी। फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मुस्तैद है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।